भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षदगण, पदाधिकारी मंडल के, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और उपस्थित समस्त कार्यकर्ता बंधुओं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज जयंती है। जब संविधान में नारे लग रहे थे कि इस देश में दो प्रधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, इस देश में दो विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, और कश्मीर को अलग देश का दर्जा देने के लिए जब मांग हो रही थी, तब हमारे संघ के गुरु जी ने आदेश दिया, हमारे सरसंघचालक जी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आदेश दिया कि क्यों न एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया जाए और इस भारतीय जनता पार्टी का इस प्रकार गठन हुआ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो उस समय कश्मीर में दो विधान धारा 370 के अंतर्गत कश्मीर में कोई भी हिंदुस्तानी प्रवेश नहीं कर सकता था, उसे वीज़ा लेना पड़ता था, जबकि वह भारत का ही अंग था, परंतु इसका विरोध करते हुए जो शर्ते तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर के रियासत के राजा की मान ली थी और जो शेख अब्दुल्ला वहाँ के मुख्यमंत्री हुए, उन्होंने अलग से कश्मीर के लिए एक अलग पैकेज देने की मांग की, एक अलग राष्ट्र बनाने की मांग की। उस बात को लेकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नारा दिया कि इस देश में दो संविधान नहीं चलेंगे, दो विधान नहीं चलेंगे और दो प्रधान नहीं चलेंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने वह कहा कि अगर ये भारत का अंग है तो कश्मीर में भी भारत का झंडा, तिरंगा लहराना चाहिए, और उस बात को लेकर उन्होंने कश्मीर श्रीनगर की ओर पलायन किया, गए। जब वो कश्मीर की बाउंड्री पर पहुंचे, सीमा पर पहुंचे, उस समय उनके साथ तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी जी उनके साथ थे, जो बाद में हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने अटल जी को वापस का भेजा और कहा कि अटल, अब आपको देश संभालना है, क्योंकि मेरा कोई भरोसा नहीं कि कश्मीर से मैं जिंदा वापस लौटूं। अब देश में उनका बिछाया हुआ जो बीज था, उनका बोया हुआ जो बीज था, भारतीय जनता पार्टी के रूप में, वट वृक्ष के रूप में विकसित हो गया है। हम उन्हें निरंतर याद करते रहेंगे और उनके सिद्धांतों पर चलते रहेंगे। आज के इस अवसर पर मैं भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता बंधुओं से अनुरोध करूंगा कि पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जीवन से शिक्षा लें और भारत को एक करने के लिए, जो भारत वो चाहते थे कि एक रहे, भारत की अखंडता के लिए जो उन्होंने प्रयास किए उसे आगे बढ़ाएं। आज के कार्यक्रम में हम उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि देते हैं। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी के बलिदान के ऊपर सविस्तार आपको बताया, मेरा कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि उनके बताए हुए सिद्धांतों पर चलकर आज पुनः कश्मीर की लड़ाई जो चल रही है उसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए अपने अपने स्तर से जो भी प्रयास कर सकते हैं कि पहला हिंदुस्तान में किसी नेता ने अपना बलिदान दिया कश्मीर पे, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने दिया। आज हम उनके बलिदान को याद करें, पुनः कम से कम इतना आपस में मिलजुल कर कश्मीर का मुद्दा इस वर्ष 2019 के पूर्व ही यह समाप्त हो जाए, तो सच्ची श्रद्धांजलि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को यही होगी। धन्यवाद। जय बलिदान मुखर्जी, कश्मीर हमारा है। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हमारा है, हमारा है। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हमारा है, हमारा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम।